हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनीसाज मैक्रम क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मैक्रम के डोर तोरण का एक बहुत ही इजी सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत इजी है और बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। बिल्कुल मैंने एक अलग पैटर्न इस बार ट्राई किया है बनाने का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और अपने रिलेटिव्स के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसको मेकिंग मेथड आपको कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम का क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो अगर आपको नहीं बनाना है फिर भी आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी। इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार हम कोई वीडियो को अभी हमको नहीं बनाना है तोरण, लेकिन कभी ना कभी फ्यूचर में बनाना होता है। तो हम अगर कोई तोरण का डिज़ाइन मैंने या कोई किसी और ने भी बनाया तो कम से कम अगर आप देख लेंगे कि किस तरह का डिज़ाइन है, तो जब फ्यूचर में आप बनाने वाले होंगे कोई नया डिज़ाइन मैक्रम का तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन सा डिज़ाइन है। माइंड में आपके डिज़ाइन रहेगा तो आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। तो इसलिए आप वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल अनीसाज मैक्रम क्रिएशन को आप फेसबुक पेज पे और पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का भी नाम अनीसाज मैक्रम क्रिएशन ही है और इंस्टाग्राम पे मैं अनीसाज लाइफ स्टाइल के नाम से मेरा वहाँ पे पेज है। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है अनीसाज मैक्रम फूड एंड ब्लॉग्स, आप वहाँ भी मुझसे जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कलर का मैक्रम लिया है, डेढ़ डेढ़ बंडल लगा है। या आप एक बंडल पहले लें, उसके बाद अगर लगे तो आप दो बंडल आप ले सकते हैं, ऐसे एक एक बंडल में हो जाएगा। लेकिन ग्रीन वाला जो है वो 5 कॉलम है तो ग्रीन वाला दो बंडल लगेगा और वाइट वाला एक बंडल में हो जाएगा। और यहाँ पर ग्रीन वाला कॉर्ड 50 पीस लगा है, वाइट वाला कॉर्ड 40 पीस लगा है और दोनों कॉर्ड को मैंने यहाँ पर डेढ़ डेढ़ मीटर में कट किया है। बड़ा वाला जो कांटा मोती है वो मैंने यहाँ पे 40 पीस पिंक कलर का 40 पीस बड़ा वाला कांटा मोती लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 56 पीस मैंने यहाँ पे यहाँ पे मटका मोती छोटा वाला पिंक कलर का लिया है, एक कॉल्यूम में 7 पीस लगा है। इस हिसाब से 90 पीस 90 पीस मैंने यहाँ पे बेल्स लिया है, एक में मैंने 10 बेल्स लगाया। आप चाहें तो यहाँ बेल्स को कम कर सकते हैं। और इस तरह का ये जो मैंने यहाँ पे दो हेड लगा करके ये डिज़ाइन लगाया, आप 3 हेड लगा के डिज़ाइन कम लगा करके आप यहाँ पे चाहें आप तो यहाँ बेल्स की संख्या कम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। हमने यहाँ पे दो कॉर्ड लिया है, एक कॉर्ड जो अंदर की तरफ रहेगा वो डोर के मेज़र का है, ये मैंने 2 मीटर के लगभग का लिया है। और ये जो बाहर का है वो 3 मीटर के लगभग का है क्योंकि उससे हम यहाँ पाइपिंग करेंगे। तो बाहर वाला कॉर्ड 3 मीटर का है। अब इससे हम ऊपर एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ करते हुए पाइपिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से ये सेपरेट हो जाएगा। अब ये 4 कॉर्ड है, अब इसी 4 कॉर्ड के ऊपर हम 10 वाइट कलर का कॉर्ड को अटैच करेंगे। यहाँ हम 1.5 मीटर का एक कॉर्ड लेंगे, अगर बाद में अगर कॉर्ड कम पड़ जाएगा तो हम कॉर्ड एक्स्ट्रा भी अटैच कर सकते हैं। अब सिंगल टाइम्स इस तरह से हमको इसको लगा लेना है। और 2 कॉर्ड लगने के बाद अब हम यहाँ पे एक मोती लगा लेंगे और इससे एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम Thank you.
पे ये दो लाइन बनाया है, वैसे ही हम यहाँ पे पांच लाइन बना लेंगे और ऐसे ही ग्रीन और उसके बाद फिर वाइट, दो कॉलम कम से कम बना के तैयार होगा, दो कॉलम ग्रीन वाइट का कॉलम चलता जाए। देखिए फ्रेंड्स, इधर मैंने 5 कॉर्ड और इधर 5 कॉर्ड, मतलब 10 कॉर्ड और 1 2 3 4 5 बीट्स के साथ लगा लिया है डिज़ाइन। अब हम यहाँ पे 4 लाइन कम से कम हम बनाएंगे, तो अब हम 2 नॉट के बीच 1 नॉट लगा लेंगे, सभी को हम कनेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से ये 1 लाइन बना लेंगे पूरे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम 3rd लाइन भी ऐसे ही बना लेंगे। दो नॉट के बीच 1 नॉट लगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1 2 3 4 लाइन बना लिया है। अब हम 5th लाइन भी ऐसे ही सेम बना लेंगे। फ्रेंड्स, इधर आपको ये इधर नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी इधर कॉर्ड अटैच नहीं किया, इधर का डिज़ाइन नहीं बनाया। अगर इधर का डिज़ाइन बनेगा तो इसको भी मैं उसी लाइन में मिला दूंगी। ये भी जैसा ये दिख रहा है ना ग्रीन वाला, ऐसे यहाँ पे वाइट वाला भी यहाँ पे दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे 5 कॉर्ड है, अब हम दोनों को अलग अलग सेक्शन में हम अब वर्क करेंगे। अब हम यहाँ पे 4 नॉट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इस तरह से ये 1 कॉलम बन गया है। सेम ऐसे ही पूरा कॉलम हम बना के तैयार कर लेंगे। ऊपर से 1 कॉर्ड लेना है।
लाइन बना लिए हैं, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे ये वाइट वाला भी लाइन बना के तैयार कर लेंगे। 4, 3, 2 और 1 का नॉट लग के तैयार होगा। बना लिए हैं, अब दोनों का इधर का 2 कॉर्ड और इधर का 2 कॉर्ड दोनों को कट करके हटा लेंगे हम। दोनों का जो नीचे वाला कॉर्ड है उसको हम इस तरह से, ये सेंटर हो गया, यहाँ हम थोड़ा सा इस तरह से गैप कर लेंगे, तो ये हो गया सेंटर। सेकेंड कॉर्ड इधर का, यहाँ पे हम इस तरह से इसको कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको दोनों को हम स्टिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो आप ग्रीन कलर का भी बना सकते हैं डिज़ाइन, अगर आप चाहें तो वाइट से भी बना सकते हैं। तो अभी मैं ले लेती हूँ ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का डिज़ाइन बनाएंगे तो हम ऊपर का डिज़ाइन यहाँ से कट करके हटा देंगे। एक बार पॉट के ऊपर से देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिज़ाइन यहाँ पे लगाया है। ये डिज़ाइन को बना लेते हैं, इधर से ले लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22 हम लाइन 22 डिज़ाइन बना लेंगे। अब इसको बैक साइड की तरफ ले जाएंगे। दो कॉर्ड को हम यहाँ पे इस तरह
पास हो गया। अब ये दोनों को वाइट वाले को हम बांध देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये दो लाइन बन गया है, देखने आप कितना सुंदर लग रहा है देखने में ना। अब थर्ड लाइन व्हाइट कलर ग्रीन कलर से बना लेंगे। थर्ड लाइन में हम यहाँ पे कुछ मोती लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सेकेंड वाले कॉर्ड में, अब ये तो लाइन बन गया, सेकेंड वाले कॉर्ड में अब हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6-7 मोती लगाया है। सबसे पहले हम ऊपर वाले कॉर्ड से इस तरह से एक डिज़ाइन बना लेंगे, फिर एक मोती ऊपर करेंगे, फिर इससे एक डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आप कम मोती लगाना चाहते हैं तो ये वाला जो मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ, आप दो डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और इसलिए मैं यहाँ पे मटका मोती यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मटका मोती जो है वो सस्ता होता पड़ता है, तो इससे हमारा जो बजट है थोड़ा सा कम हो जाए। साइड ले जाएंगे। और यहाँ मैंने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बीट्स लगा करके तैयार किया है। अब फिर से अब हम ये दो कॉर्ड को इसमें हम देख रहे हैं कितना सुंदर सा डिजाइन बन करके तैयार हुआ है। अब हम ये इधर से ग्रीन कॉर्ड नहीं लेकर के ये व्हाइट कॉर्ड लेंगे, व्हाइट रेल्स डाला है नीचे वाले कॉर्ड में, ऊपर वाले कॉर्ड से दो बार ये डिजाइन लगाएंगे, एक रेल्स लगाना है, थोड़ा सा गैप छोड़ दे वैसे से करना। यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिज़ाइन लगाया है, तो सब बड़ा ही रखेंगे। अब
ये जो यहाँ से जो कॉट आया सेकेंड नंबर का कॉट, तो सेकेंड नंबर वाले कॉट को इसको बैक साइड की तरफ ले जाएंगे। ये एक ब्लॉक जो है अब हम इस सभी को बिल्स को पकड़ के हल्का हल्का सा खींच लेंगे तो ये हल्का सा यहाँ पे ऐसा डिजाइन आ जाएगा। तो ये एक ब्लॉक जो है आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा ये लग रहा है दिखने में, तो ये एक ब्लॉक बनकर के तैयार है। ऐसे ही हम पूरे में बना लेंगे और ये साइड साइड में दोनों तरफ रहेगा। तो यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक डिज़ाइन बनके तैयार हुआ। अब ऐसा ही हम पूरे में ऐसा ही डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ये 10 वाइट कॉर्ड अटैच किया है, फिर यहाँ 10 ग्रीन कॉर्ड। तो फिर जब यहाँ 10 ग्रीन कॉर्ड अटैच होगा तो यही वाला डिज़ाइन, फिर ये ग्रीन कॉर्ड यहाँ जाएगा और फिर यही वाला डिज़ाइन फिर यहीं भी पूरा में ऐसा ही रिपीट होगा। तो ऐसा ही हम पूरे में डिज़ाइन बना करके तैयार कर लेंगे और ये वाले डिज़ाइन को थोड़ा सा नीचे ही रखेंगे जिससे ये थोड़ा सा झूलता हुआ अच्छा लगेगा। और ये वाला जो है वो हम इसी सीक्वेंस में इसको काटेंगे, तो ये लगेगा कि पूरा एक लाइन का है, ये सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो ऐसा ही हम पूरे डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन तैयार किया, जिसमें मैंने 50 पीस मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का लिया है और 40 पीस मैंने कॉर्ड यहाँ पे वाइट कलर का लिए है। अब इस तरह से अब बीच का, अब साइड साइड का जो दो कॉर्ड है उससे हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं जैसे हमने उधर लगाया था। और लास्ट का भी डिज़ाइन ऐसा ही बनेगा जैसे उधर बना था। और सभी डिज़ाइन को मैंने ग्रीन वाइट में ही रखा है, ग्रीन वाइट में ही रखा है, ग्रीन वाइट में ही चारों तरफ सभी। वो बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये झूमर का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना करके तैयार किया है। बहुत इजी है, बिल्कुल एक यूनिक सा डिज़ाइन है, बहुत ही साधारण सा डिज़ाइन है, बहुत इजी सा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो और बनाने का तरीका अच्छा लगे, ज़रूर मेरे वीडियोज़ को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। Take care and bye-bye.